ये महावीर की कहानी है, जहाँ अंगुलीमाल जैसा हत्यारा नियम लेके बैठा है कि रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारूंगा। कितने? हाँ, नियमित आपके नियम है ना, 3 टाइम खाऊंगा, बराबर 10 घंटा सोऊंगा, ये सब आपके पक्के नियम हैं। वैसे अंगुलीमाल ने नियम किया है 6 पुरुष और 1 स्त्री को 6 महीने में 1260 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बना के पहना है। इसकी भी क्रूर गुण की दृष्टि, उसके सामने भी यही महावीर आते हैं तो उनकी अमृत दृष्टि के सामने इसकी क्रूर दृष्टि पराजित होती है, चरणों में गिर जाता है कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने गलती की। ये भारत रत्न वसुंधरा है, जहां ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं। समुद्र के किनारे रेत में जितनी मिट्टी के कण हैं उसको गिन सकोगे, भारत में कितने सिद्ध पुरुष हुए उसको नहीं गिन पाओगे। कितने ही महापुरुष, उन सबको याद करने का अच्छा अवसर। थोड़ी देर के लिए हम स्वार्थ त्याग के भक्ति कर लें, तो स्वार्थ से किसी का भला हुआ ये तो मैं नहीं सुना कभी, लेकिन भक्ति से भला हुआ ये तो मैं सदा सुनता आया। इसी तमिलनाडु का एक गांव है तिरुकोष्टियूर। तिरुकोष्टियूर तक 8 बार श्रीरंगम से पैदल जाके गुरु से दीक्षा लेने की लालच और लालायित भाव से 8 बार श्रीरंगम से पैदल जाते हैं रामानुजाचार्य तिरुकोष्टियूर। कहाँ जाते हैं? तिरुकोष्टियूर। वो जमाना जब साइकिल नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, पैदल जा रहे हैं। मंत्र लेना है। क्या लेना है? मंत्र लेना। आपको मंत्र की महिमा पता ही नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक कोई कमरा अंधेरे में रहा हो, उस अंधेरे कमरे को उजाला करने के लिए एक दीपक लेके आप अंदर प्रवेश करो तो उजाला होने में भी करोड़ वर्ष लगेगा क्या महाराज? कितना समय लगेगा? हाँ, तुरंत। गुरु मंत्र वो दीपक है जो करोड़ों जन्मों से अंधकार में भटकने वाले आत्मा में प्रकाश करती है, और प्रकाश आने के लिए करोड़ों वर्ष नहीं लगते। ध्यान रखना, करोड़ों वर्ष प्रकाश आने के लिए नहीं लगते। प्रकाश दीपक जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तुरंत ही प्रकाश होता है। हर बार गुरु भगाते हैं, जाओ अभी मंत्र नहीं है, जाओ। आपको है ना, मेरे धन कब मिलेगा, मुझे धन कब मिलेगा, मुझे पदवी कब मिलेगी, मुझे संसार के यश कब मिलेंगे, वो सब आप में है ना। भाग्यशाली होगा जो सोचता होगा मुझे गुरु कब मिलेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा सोने का कटोरा रख के भी सुअर को बोलो हलवा खा ले, वो विष्टा खाने ही जाएगा। जिसकी आत्मा अभी तक परिपक्व नहीं हुई वो गुरु की महिमा को जान नहीं पाएगा, गुरु की शक्ति को जान नहीं पाएगा वो मूर्ख आत्मा। अंत में रामानुजाचार्य को गुरु ने कहा, मंत्र दूंगा लेकिन ये मंत्र परंपराओं से गुप्त आया है, वैष्णव परंपरा का ये गुप्त मंत्र अष्टाक्षरी है। अष्टाक्षरी यानी 8 अक्षरों से बना है, और इस मंत्र को कोई भी बोलता है वो निश्चित वैकुंठ में जाता है, भले ही वो अयोग्य हो, नालायक हो, हत्यारा हो, पापी हो, लुच्चा हो, ये मंत्र बोलने मात्र से ये मंत्र उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं तुझे ये मंत्र देने में संकोच करता था, लेकिन तू 8 बार घूम घूम के मेरे पास आया, आज मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुझे ये मंत्र देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये मेरा दिया हुआ मंत्र युगों युगों से भगवान नारायण से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा से व्यास जी को, और वहाँ से परंपरा से एक व्यक्ति को मिलता आया जो आज मेरे पास है और कल तुमको देने वाला हूँ। ये किसी को मत बता देना, अगर ये बताएगा तू तो तू नरक में जाएगा। किधर जाएगा? नरक। आप क्या करोगे? आपको बोल दे कोई मंत्र दे के किसी को मत बताना नरक में जाएगा, आप अपने लिए भी बोलना बंद कर दोगे कि भाई किसको क्यों बोलूं भाई।
उसी त्रिकोष्ठीयूर में एक नारायण का मंदिर है। कभी दक्षिण में त्रिकोष्ठीयूर जाना, विश्व का एक ही मंदिर है नारायण। वहाँ खड़े रूप में, बैठे रूप में और सोए रूप में, तीनों रूपों में दर्शन देते हैं। तीन रूप में, तीन मंजिल में मंदिर है। तो तीन मंजिला मंदिर कितना बड़ा होगा, उसके शिखर पर जाके चढ़ गए रामानुजाचार्य। जैसे ही इधर मंत्र लिया और इधर जाके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, मंत्र मिला ही अभी है और मंदिर के शिखर पर जाके खड़े हो गए। गांव वालों सब आओ आओ आओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई तेजस्वी ब्राह्मण संत बुला रहे हैं, आओ आओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मेरे गुरुदेव ने अभी मंत्र दिया और कहा कि इसको कोई भी बोलता है तो वैकुंठ में जाएगा, इसलिए आपको मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, सब लोग आप सुनो और अपने रिश्तेदारों में ये मंत्र को फैलाओ, पूरे विश्व में ये मंत्र फैलना चाहिए और सब वैकुंठ में जाना चाहिए। गुरु को मालूम पड़ गया कि मेरा मंत्र लेके ये ऊपर चढ़ गया उधर शिखर पर बोलने के लिए। तुरंत घर से बाहर निकल के, मठ से बाहर निकल के, आश्रम से बाहर निकल के आए डांटने के लिए कि नालायक ये क्या कर रहा है, तुझे मैंने सावधान किया, तुझे पता नहीं है कि अगर तू मुंह से बोलेगा तो नरक में जाएगा और तू दुनिया को इकट्ठा करके बोलने के लिए उद्यत हुआ है। ऊपर से गुरु को अपने मस्तक के ऊपर अंजलि करके प्रणाम करते हुए शिष्य रामानुजाचार्य ने कहा, जिनका अभी कुछ समय पहले 1000 वर्ष मनाया भारत सरकार ने और पूरे विश्व ने, ऐसे रामानुजाचार्य ने हाथ जोड़ के गुरु को कहा, गुरुदेव आपने जो कहा मेरे दिल में बड़ा आनंद आ गया कि इसको बोलने वाला नरक में जाएगा लेकिन सुनने वाला स्वर्ग में जाएगा, तो मैंने ये निश्चित किया है कि करोड़ों लोगों को सुना दूंगा, भले मुझे नरक में जाना पड़े तो चले। आज पृथ्वी में जो ओम नमो नारायणाय मंत्र, जो वैष्णवों का अष्टाक्षरी मंत्र है, ये रामानुजाचार्य ने पूरे पृथ्वी में बताया जब तक ये गुप्त था मंत्र। ये मंत्र गुप्त मंत्र था जिसको लोक कल्याण के लिए स्वयं नरक में जाने तैयार होते हुए भक्तों के, शिष्यों के, प्रजा के मंगल के लिए एक संत ने स्वयं नरक में जाने बिल्कुल तैयार होकर के, व्यवस्थित होकर के दुनिया को मंत्र दी। परसों बताया आपको, श्रृंगेरी के स्वामी जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने बताया है कि आत्मज्ञान प्राया हुआ और लोक कल्याण चाहता हुआ, ये दो लक्षण जिसमें है वही संत है, वरना संत नहीं है।